बिंदु अभी तक घर नहीं आई, उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं उसे वो लड़का पसंद तो नहीं आ गया? अरे तो अच्छा है ना? अरे इसमें अच्छा क्या है? ओहो, अजीब बात करते हैं आप भी। अगर बिंदु को लड़का पसंद आ गया तभी तो अमर को जलन महसूस होगी ना, यही तो आपका प्लान था। अरे हाँ, लेकिन ये प्लान थोड़ा रिस्की प्लान है। अगर बिंदु को लड़का पसंद आ गया और उसने सच में शादी के लिए हाँ कर दी तो फिर हम हार जाएंगे और बिंदु को हमेशा के लिए खो देंगे। अब क्या कर सकते हैं? और अगर उसी में उसकी खुशी है तो फिर वही होना चाहिए। और आपने ही तो कहा था ना उससे कि अगर लड़का पसंद आया तो शादी करवा देंगे। हाँ कहा था, दिमाग कहता है कि उसकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। कैसे जाने दूं बिंदु को इस घर की चौखट से? उसी ने इस घर को घर बनाया है, उसी को जाने दूं। बस भगवान करे उसको लड़का पसंद ही ना आए। ए, उठ उठ रे, झोपासी जागा है, चल। साहेब चाय? नहीं नहीं राहुल दे। नमस्कार साहेब। नमस्कार नमस्कार। ओ मैडम क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब कितनी ट्रेन आगे चली गई, कितने घंटों से देख रहा हूँ आप यहाँ पे अकेली बैठी हैं, कहाँ जाना है आपको? मुझे पता नहीं है। पता नहीं? वो ना मेरे ध्यान में ही नहीं है, मैं भूल गई हूँ। क्या आपको किधर जाना है आप भूल गई? मैं तो ये भी भूल गई कि मैं हूँ कौन। अच्छा समझ गया, लगता है आप इस शहर में नई हो। अच्छा लेकिन कहीं आपने लिख के तो रखा होगा कहीं पे कोई एड्रेस जहाँ पे आपको जाना है, किसके पास जाना है, कहाँ जाना है? पता नहीं है। अरे देवा ये भी पता नहीं। अच्छा आपके पास फोन है? फोन? अरे ये देखो, ये इसको बोलते हैं फोन, मोबाइल फोन। उसमें कोई नंबर होगा तो उसको डायल करो और बुलाओ उसे जल्दी। हाँ। हेलो बिंदु, कहाँ हो तुम? आप कौन? मैं कौन? मैं अमर बात कर रहा हूँ बिंदु। क्या मेरी आवाज भी भूल गई तुम? अमर जी, अम्मा जी, हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, बोलो ना। वो मैं रास्ते में ही हूँ, मैं कुछ भूल गई थी एकदम से। भूल गई? क्या मतलब? अच्छा, सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था कि वक्त का पता ही नहीं चला। ये बताओ तुम्हारी डेट कैसी रही? डेट? हाय श्री कृष्ण। हाय शशि। अमर जी मैं बस घर पहुंच ही रही हूँ, आती हूँ। जय श्री कृष्ण। ठीक है, थैंक यू मोटा भाई, थैंक यू। ते को पता है क्या मेगा, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, जिनको डर नहीं लगता है
एक वो जो दीवार पे चढ़ जाते हैं, अपन उनको देखेंगे ना तो अपने को लगेगा कि दीवार से गिरेगा ना तो उसका सर फूट जाएगा, लेकिन उनको डर का एहसास ही नहीं होता है, अपने आप को सुपरमैन समझते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको डर का पूरा नॉलेज होता है, इसलिए वो उस डर को फेस कर पाते हैं। जैसे अपने देश के फौजी, उनको भी अपने दुश्मन से डर लगता होगा, लेकिन वो अपने डर को सावधानी बना के हिम्मत में बदलते हैं और अपने दुश्मन पे हमला करते हैं। उसे कहते हैं असली बहादुर, असली सुपरमैन। जो ऐसे बगैर सोचे समझे ऊंची दीवार से कूदते हैं ना, उन्हें कहते हैं बुद्धू। ना सर, गोल गोल घुमा के लेक्चर क्यों दे रहे मेरे को? सीधा सीधा बोल ना, तेरे को मैं बुद्धू लगती है बहादुर नहीं करके, मेरे में एक टक का भी सावधानी नहीं है करके। तेरे को समझाना ही बेकार है ना मेगा। देख अभी तेरे को मुझे जो समझाने का है ना, वो मैं समझ गई हूँ, ऐसा तू समझ ले प्लीज। लेकिन ये बात याद रख कि तेरा फेवरेट कलर रेड है, फेवरेट कलर बार बार चेंज नहीं हो सकता। हाँ हाँ मेघना बहन, बस स्टेशन पहुंची, आप कहाँ हो? हाँ किधर? हाय आती हूँ। चल मैं निकलता है, तू बिंदु से मिल के आ जाना। और हो सके तो थोड़ी अकल भी ले लेना उससे। बिंदु से? मैं बाद में तेरे को बता दिया आजकल उसका क्या चल रहा है। क्या ये एडी है क्या? जरा सिमरन बन के वो राज को मिलने चली गई, वो लड़का तेरे को पसंद कर लेता तो उसके सर पे चाय डाल के भाग के आने वाली थी क्या? तो मैं उसे मना देती ना कि मुझे ना पसंद कर ले। अगर हर लड़का तेरे को ना पसंद करता रहेगा तो अमर कंगना की वेडिंग कार्ड पे डेट कैसे छपेगी? जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक उनकी कैसे करवाएगी? तो तेरा प्लान क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मंदर मेरे को बोल रहा है तेरे से अक्कल उधार ले ली। मेघना बहन प्लान एकदम सिंपल है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कुछ दिनों के लिए मेरा साथ देने को तैयार है। बस अमर जी की शादी हो जाए, तब तक वो नाटक करे कि हम दोनों भी शादी करने वाले हैं। बस एक बार अमर जी और कंगना जी की शादी हो जाए, फिर मोटा हुआ को बोल दूंगी कि मेरी और उसकी जमी ही नहीं। क्या फ्रिज में पड़ी हुई आइसक्रीम है, जमी ही नहीं? क्या लगता है तेरे को ये सब जोक लगता है तेरे को? हाँ ये नाटक वाटक ना फिल्मों में ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। चल ऐसा लड़का मिल भी गया हाँ। जो तेरे जैसा ही पागल हो और तेरे साथ आग में कूदने को तैयार हो जाए और तेरा प्लान कामयाब भी हो गया हाँ। फिर भी आगे क्या, तेरे फ्यूचर का क्या बिंदु? तू लाइफ में आगे क्या करने वाली है? सच में शादी करेगी? तेरे लक्षण से तो लगता नहीं है मेरे को। मेघना बहन मेरा छोड़ो ना, आपके फ्यूचर का क्या? अब आप बिजनेस में तरक्की करोगे, नए वर्कशॉप्स खोलोगे और बिजनेस को टॉप पे भी ले जाओगे, ये सब होना ही होना है। लेकिन आपका और मंदर भाई का क्या? वो आपका असली फ्यूचर है, इसके बारे में सोचा है आपने? ला पिकड़े, फिर से बात करने मुसीबत है। सुनना हाँ। मैं नई गाड़ी लेने का सोच रही हूँ हाँ। एक्चुअली मैंने बुकिंग कर दी है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेघना बहन, मैं आपके लिए ना बहुत खुश हूँ। पर ऐसे ट्रेन में ट्रैवल करने वालों को भूल मत जाना हो। हाय का बिंदु। चल तू तो मजाक में बोल रही है, लेकिन सबको ऐसा ही लगता है कि मैं रईस बन जाऊंगी ना तो बदल जाऊंगी। ऐसा नहीं है बिंदु, मैं लाइफ में कुछ भी कर लूं मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि मैं कहां से आई। और ये सवाल सिर्फ अमीर बनने का नहीं है, मेरे को कुछ करने का है लाइफ में। इतना हक तो होता है ना सबको, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। मेरे को मेरी पूरी लाइफ चाली में नहीं काटनी है। अच्छा घर, अच्छी लाइफ, मेरे को अलाउड नहीं है क्या? अगर मेरे में है तो मैं करके दिखाएगी ना, दिमाग लगाएगी, मेहनत करेगी और रिजल्ट लेके आएगी। अगर मैं ये सब करने के लायक है तो किसी को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? अभी अगर मैं अमर जी जैसी डॉक्टर होती और वहां पे बहुत सारे पैसे कमा रही होती तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैं बिजनेस कर रही है ना, ये बिजनेस करने वालों के बारे में सबको ऐसा लगता है कि इनका दिमाग ही खराब हो गया। अभी धोनी में टैलेंट था तो वो चैंपियन बन गया ना, साइना नेहवाल को कोई रोक पाया क्या बैडमिंटन में मेडल लेने से? मेरे में भी बिजनेस का टैलेंट है तो मेरे को करने देना चाहिए ना। इसको ना ऐसा लगता है कि मैं ये गारमेंट होलसेल बिजनेस के लिए बनी है। तो मैं डरती थोड़ी हूँ, अभी नहीं आती गाड़ी चलानी तो क्या हो गया, मैं सीख लेगी ना। तब तक मैं औरत चला जाएगा तो अब क्या करें?
आइए मैडम, ड्राइवर रेडी है। बाय सचिन, बाय सपना, बाय मनीष। आई भी नहीं मेरे को विश करने को। सब आए, वो सबसे तेज शंभू की माँ है ना, वो भी आई, लेकिन ये नहीं आई। मेरे को मालूम है जलती है मेरे से। सर, अरे पुनीत, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम ही मेरी हेल्प कर दो। ये अजीब चक्कर में फंस गया हूं यार मैं। देखो, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जानता हूं ये कहां जा रहा है। देखो पुनीत, मैं शादी को लेकर जितनी एक्साइटेड हूं ना, मुझे अमर उतना एक्साइटेड लग ही नहीं रहा। क्या मतलब? आप कुछ नहीं, आपको मेरी हेल्प चाहिए और मुझे शायद पता है किस बारे में, आपकी शादी की तैयारियों को लेके। थैंक गॉड पुनीत, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। एक तुम ही मुझे समझते हो। देखो, इतना लंबा शादी की तैयारियों का क्वेश्चनर मेल किया है मुझे, ये पसंद करो, वो पसंद करो। मैं डॉक्टर हूं यार, इतने कलर्स का मुझे पता ही नहीं है। मजेंटा, लैवेंडर, टर्कोइज ब्लू, अब इनमें से मुझे सिलेक्ट करना है। अब क्या इंकी पिंकी पोंकी करूं? पुनीत, मेरी वेडिंग प्लानिंग का पूरा डिपार्टमेंट प्लीज तुम संभाल लो। देखो, मुझे तो कुछ समझ में आता है नहीं, और ये सब हमें क्यों डिसाइड करना चाहिए? वो वेडिंग प्लानर क्या करेगी? काम डाउन, रिलैक्स, दिखाइए मुझे लिस्ट, दिखाइए। देखो, हमारे मेडिकल का एग्जाम पेपर इतना लंबा नहीं होता। आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे सारे आंसर्स पता है, मैं फिल कर दूंगा। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, आई एम श्योर यू लाइक इट, ट्रस्ट मी। वेटर, इधर आओ। जी सर। टेबल। सर, एज यूजुअल जहाँ आप हमेशा बैठते हैं, रेडी है। सी, यहाँ पे हर कोई मुझे जानता है, किसी को भी डेट पे लाना हो तो मैं इसी रेस्टोरेंट में लेके आता हूँ, ट्रस्ट मी। कम ऑन। हाँ, फील बहुत अच्छा है इस जगह का, 10/10। सिट। थैंक यू। खाना भी अच्छा है, 9/10। ये स्टाफ लाइक अ 6/10। ये अब नंबर्स क्या दे रहे हैं? क्यों, हर अच्छी बुरी चीज का एक नंबर होता है। अब आप उस पेंटिंग को देख लीजिए, ठीक ठाक सी पेंटिंग है, 10 में से 5। यू कांट बिलीव कि मैं अपने मॉम के बनाए हुए खाने को भी ना नंबर्स दे देता हूँ। हाँ, अब वीकडे पे मॉम बहुत बोरिंग खाना बनाती है, इट्स लाइक 4/10, और वीकेंड पे लिटिल बिट बेटर, इट्स लाइक 6/10। मतलब मम्मी को भी नंबर्स? तो फिर आप जिनके साथ अक्सर यहाँ पे डेट्स पे आते हो, उनके लिए तो रिपोर्ट कार्ड बनाई होगी ना? ऑफ कोर्स, आजकल बिना रेटिंग और नंबर से कोई चीज चलती है क्या? आपने कभी एसी और फ्रिज लिया है? हाँ। जितने ज्यादा स्टार्स और नंबर होंगे, बिजली का बिल उतने कम आएगा। सेम गोज फॉर गर्लफ्रेंड्स, जितना लड़की दिमाग कम खाएगी उतने उसके नंबर्स अप हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। देखो, मैं किसी की लिस्ट उसकी क्वालिटी के ऊपर बनाता हूँ, दिमाग की क्वालिटी के अलग नंबर, ब्यूटी की क्वालिटी के अलग नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, हाँ, वो मुझे भी लिस्ट बनाने का शौक है, आदत है मेरी तो। Really? हाँ। Sir, that's good. हाँ, मोटा भाई, वो 2 पेन और पेपर लेकर आना ना। Sure, ma'am. आज तो हम लिस्ट बना ही देते, आप अपनी में मेरी, बहुत मजा आएगा, अच्छा आइडिया है। I can't believe it, Aman. तुमने ये सब कैसे लिखा? हनीमून के लिए क्रूज। क्रूज? तुम्हें लगता है कंगना को ये पसंद आएगा? I'm sure. कंगना जी को आइडिया जरूर पसंद आएगा।
अच्छा, तुम्हें कैसे पता? अरे डॉक्टर साहब, हम भी थोड़ा बहुत लेडीज का रोमांस समझते हैं। अब किस लड़की को पसंद नहीं आएगा? उसके हनीमून के लिए आप उसे समुंदर की लहरों के बीच में एक शांत से क्रूज पे ले जाएं। आज से तुम बिल्कुल विराज की तरह बातें कर रहे हो। तुम्हें मेरे दिल की बात कैसे पता चली? हमें I'm so happy. तुम पहले ऐसे क्यों दिखा रहे थे कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? इट्स ओके अमर, मैं जानती हूँ तुम्हें तब बिंदु की टेंशन थी ना, लेकिन अब नहीं है, इसलिए तो तुम अब हमारी शादी के प्रेपरेशंस पर फोकस कर पा रहे हो, राइट? ये सब मेरे दिमाग की उपज है, ये कंगना जी को प्लीज पता नहीं चलना चाहिए। ये सब कुछ आपने सेलेक्ट किया है उनके लिए। अगर उन्हें पता चला कि मैंने, वो जिंदा नहीं छोड़ेगी हम दोनों को। करेक्ट, इसलिए ये हम दोनों का टॉप सीक्रेट रहना चाहिए। हाँ, अब बिंदु की कोई टेंशन नहीं है। किसी को हजम नहीं हो रहा मैंने गाड़ी ली है, जलते हैं मेरे से। अरे तेरे तो मेघना के साथ झगड़े हैं ना? हाँ मेरी उससे फाइट है, लेकिन आई टेल यू, मेघना इस काम के लिए बेस्ट है, हमें उसी के पास जाना चाहिए। वो थोड़ी बदल जरूर गई है, लेकिन वो ये काम जरूर करवा कर देगी। वो कलिंगा बिल्डर्स के यहाँ पे जाने का है अपने को। श्योर मैम। सॉरी ये आपका जॉब नहीं है, मेरे को पता है, खाली जब तक मेरे को गाड़ी चलाने को नहीं आती ना तब तक। अभी हर बात के लिए मंदार को भी नहीं बोल सकते ना चलने को। नो प्रॉब्लम मैम, मुझे वैसे भी गाड़ी ड्राइव करना बहुत पसंद है, लेकिन वो बिल्डर के पास हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? वो मेरा 10th एनिवर्सरी आ रहा है, तो मंदार को एक सरप्राइज देने का है। एक और सरप्राइज? गाड़ी काफी नहीं थी? नहीं। हाँ क्या बताया आपने? मैजिक, मैजिक वेडिंग, मेरी कंपनी का नाम। हाँ तो मेरी बिंदु के लिए ऐसा ही मैजिक कीजिएगा, एकदम बेस्ट होनी चाहिए। होगा होगा, मैंने वेडिंग प्लानिंग की लंबी लिस्ट ऑलरेडी अमर जी को मेल कर दी है। अभी आप है ना, बिंदु के लिए अलग लिस्ट बनाइए, इससे भी अच्छी। हाँ पर लड़का कौन है जिससे बिंदु की शादी हो रही है, और उनकी भी तो चॉइसेस के बारे में जानना जरूरी है वेडिंग प्लानिंग के लिए। अरे लड़के का टेंशन आप मत लीजिए, लड़के की चॉइस बाद में देख लेंगे, आप वेडिंग प्लान बना के दे दीजिए। ऐसा बनाइए कि अमर भी देखता रह जाए कि बिंदु की शादी मैं कितनी शान से करता हूँ। अब बस भी कीजिए, अमर को दिखाने की, उसको उसकी गलती महसूस करवाने की और कितनी कोशिश करेंगे आप? जब तक अमर को गलती समझ में नहीं आएगी मैं कोशिश करता रहूंगा। लेकिन अब बात शादी की तैयारियों तक पहुंच चुकी है, और कितनी कोशिश? बात शादी वाले दिन तक पहुंच जाएगी ना तो भी मैं उम्मीद छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ तो आप ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आज तक आपने की ना हो, अमर तो क्या आप खुद देखती रह जाए। जी बिल्कुल। बाबा आपको क्या लगता है कि सही में मेगा जो बच्चों के लिए कर रही है, बच्चों पर उसका बुरा असर तो नहीं होगा ना? एकदम से नया स्कूल, एकदम से नई गाड़ी, कहीं सब एकदम से। बेटा एकदम से की हुई हर एक चीज गलत नहीं होती। अमीर बनना, अमीर होना कोई क्राइम नहीं है। प्रॉब्लम पैसा कमाने में नहीं है, ऐसी सोच रखने में। तो तू उस सोच से बाहर आ जा, अभी तो तेरा फर्ज बनता है एक अच्छा पति, एक अच्छा बाप बन के उसके साथ खड़े रहने का। लेकिन आगे बढ़ने से मत रो। बाबा भी ना पार्टी प्लान कर दी, इंसान एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के मूड में तो होना चाहिए। अभी क्या बोलूं सबको मैं, मंदार अचानक बदल गया या मैं बदल गई?
अभी दोनों अचानक साथ में रहने लगे। मैं बोल देती हूँ सबको, बाबा ने अल्टीमेटम दिया ना इसीलिए। अब ऐसे आड़ा पकड़ के रखेगा, कमर में दर्द हो रहा है। लगता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एनिवर्सरी हैप्पी हो रही है। वैसे इस प्राइवेट पार्टी में हम लोग का एंट्री तो अलाउड है ना? अरे नहीं, वो पैर फिसल गया था उसका। अब उसे बस हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। अरे प्रार्थना, तू कब वापस आए अपने हनीमून से? बस अभी आए हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे मेघना जी, आप देख क्या रहे हैं? केक काट के ना, बाद में क्या पूरा केक मंदार जी को अकेले में खिलाएंगे। विराज पकड़ा। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। आज हमारी 10वीं एनिवर्सरी है। वो लिखा है केक पे, वो दिख रहा है सब। ठीक है, फिर तू ही बोल दे। बच्चे लोग, तुम लोग वहां जाके खेलो, वो सब बच्चों के साथ। जाओ जाओ। राम भाई, आप देखो ना सबको खाना वाना खाने के लिए। हाँ प्लीज। नहीं, वो कैसा है, आज एनिवर्सरी पे एक अनाउंसमेंट करने का है। हाँ। वो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग के बीच में जो फाइट चल रहा था ना अभी तक, उसको खत्म करते हैं। हंसोगे ना तुम लोग दोनों? अब नहीं, हम हंस कर रहे हैं, ये हंसने वाला बात थोड़ी है। हाँ। वैसे हम लोग को पता था कि आप लोग साथ में जरूर आने वाले हैं। वो तो हम लोग बस इंतजार कर रहे थे कि कब। हाँ, और मौका भी एकदम सही चुना आपने। आज से 10 साल पहले आज ही के दिन साथ आए थे, आज फिर साथ आ गए। मंदार भाई, कांग्रेचुलेशंस, एनिवर्सरी पे रियूनियन भी हो गया, क्या बात है। तो अब खुशी के मारे मैं आपको केक खिलाऊं या मुंह पे लगाऊं? अरे क्या हो गया। आप ना जिंदगी में गुड न्यूज देते रहा करो, वो तो वैसे ही जिंदगी में इतनी टेंशन है। बाबा ने तो एकदम अल्टीमेटम ही दे दिया। और क्या करेंगे, तंग आ गए वो हमसे। तेरी गलती है, मैं तेरे को हमेशा बोलती थी किसी के सामने झगड़ा मत कर मेरे से करके। किसी के सामने झगड़ा मतलब? बाबा है वो, उनके सामने चलता है सब। अब क्या करेंगे? वो तो क्या लाया था मेरे लिए, बाबा बोल रहे थे। अरे नहीं, वो ऐसे ही छोटा सा। किधर है? अरे नहीं कुछ नहीं। दिखा तो। अरे जाने दे, मैं कुछ नहीं लाया मैं। अरे किधर रखा है? अरे कुछ नहीं, जाने दे, ऐसे दिखा ना मेरे को देखने का। क्या मंदार, तू तो इतना महंगा गिफ्ट खरीद के लाई मेरे लिए, इतनी महंगी गाड़ी लेके आई, और मैं क्या लेके आया, ये गुल्लक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।